गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग जुड़िए, हम लोग क्लास से स्टार्ट करेंगे। जुड़ जाइए सभी लोग, क्लास से स्टार्ट करने वाले। पहले से जो शेड्यूल था वहाँ से लाइव नहीं हो पाया, दूसरे जगह से हम लोग लाइव आए हैं, तो एक एक करके हम लोग सेशन का शुरुआत करेंगे। ठीक, चलिए, सारा चीज ओके है, सभी लोग आ जाइए यहाँ पे। ठीक, डेली क्लास लाइव कीजिए, सप्ताह में 5 दिन रहता है। अरुण वर्मा, ठीक, फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो आपको नहीं पता होगा। यूपी आरबीएनएल का एग्जाम कब तक होगा? यूपी आरबीएनएल का एग्जाम में अभी कम से कम 2 महीना से ज़्यादा लगने वाला है समय, तो उसके अनुसार आप लोग अभी तैयारी करते रहिए, समय है, काफ़ी समय है। चलिए, आज हम लोगों का ये 12वां दिन है ये सेशन का। इससे पहले हम लोग कहाँ तक कर चुके थे, कितना क्वेश्चन किए हैं? इससे पहले क्वेश्चन नंबर 121 तक कर चुके थे। आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 122 यहाँ से शुरुआत होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है? मार्किंग पंच निम्न में से किसके बने होते हैं? जो पंच मार्किंग के लिए यूज किए जाते हैं उसका मटेरियल पूछा है। हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील? सभी लोग मैसेज कीजिए यहाँ पे। ठीक, मैसेज कीजिए सभी लोग। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, सेशन को भी लाइक कर दीजिए। ठीक, जो लोग लाइक नहीं किए हैं एक बार सेशन लाइक कर दीजिए, और काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक, बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी से ये बनना चाहिए। जो पंच होता है ना, मार्किंग टूल है, तो किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और इसके बारे में देखें, ये पंच, पंच का ये पॉइंट होता है, ये नल किया हुआ भाग होता है, ये बॉडी वाला भाग, और ये हेड है। अगर यहाँ पर मार्किंग के लिए जो पंच यूज होता है वो कौन सा पंच होता है? तो डॉट पंच होता है ना, जिसका पॉइंट एंगल कितना रहता है? 60 डिग्री। पॉइंट एंगल 60 डिग्री, डॉट पंच। विटनेस मार्क के लिए या साक्ष्य चिन्ह के लिए प्रिक पंच का पॉइंट कोण कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है। सेंटर पंच का पॉइंट कोण कितना होता है? तो सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। ये अलग अलग कामों के लिए। प्रिक पंच का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? तो डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, नहीं तो फिर शीट मेटल में, मुलायम धातुओं में मार्किंग करने के लिए, महीन मार्किंग के लिए। और सेंटर पंच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो ड्रिल का सेंटर पॉइंट लोकेट करने के लिए, जहाँ ड्रिलिंग करना है उसका सेंटर लगाने के लिए। इतना चीज क्लियर है ना? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए और आंसर करना है। क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में सुरक्षा सावधानी के संबंध में असत्य कथन का चयन करने, रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है आर्क वेल्डिंग के समय। ये वेल्डिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है, गंदे और तैलीय कपड़े न पहने, जब मशीन काम में न हो, जब मशीन काम में न हो तो इसे बंद रखें, गर्म धातुओं को उठाने के लिए चिमटे का उपयोग करें, और यदि किसी भी प्रकार का विद्युत फॉल्ट हो तो इसे तुरंत खुद ठीक कर दें। कौन सा आंसर होगा? आंसर कीजिए तो यहाँ पर सभी लोग आंसर बताइए। आर्क वेल्डिंग से पूछा गया यह क्वेश्चन है कि सावधानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन कौन सा है? ठीक, रॉन्ग स्टेटमेंट आंसर कीजिए। मैसेज कर रहे हैं लोग, सभी लोगों का जवाब चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन ध्यान से समझिए और बताइए, आर्क वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पूछा है इसमें। काफी लोग आंसर दे रहे हैं यहाँ, ठीक, करेक्ट भी दे पा रहे हैं आंसर। यहाँ पर जितने लोग डी आंसर किए हैं ना, उनका राइट है। देखिए, अब आर्क वेल्डिंग करते हैं तो गंदे और तैलीय कपड़े न पहने, ऐसा हम लोगों को तेल लगा हुआ और गंदा कपड़ा हुआ ये नहीं पहनना चाहिए, ये सही बात है। जब मशीन काम में ना हो तो इसे क्या कर दे? बंद रख दे, ये भी सही है। गर्म धातुओं को उठाने के लिए चिमटे का प्रयोग करते हैं, जो गर्म जॉब होगा उसको उठाने के लिए टोंग्स, चिमटा का प्रयोग करेंगे। यदि किसी प्रकार की विद्युत फॉल्ट हो तो इसे तुरंत खुद ही ठीक कर दे। यहाँ पर
जब विद्युत फॉल्ट होता है तो आप इसको नहीं ठीक कर सकते, आप वेल्डर हैं, वेल्डिंग के बारे में आपको पता है, ये कौन ठीक करेगा? तो विद्युत मिस्त्री जो होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, वो ठीक करेगा। तो यही यहाँ पर रॉन्ग है, खुद नहीं ठीक करना है, उसके लिए जो असाइंड पर्सन है वही क्या करेगा, ठीक करेगा। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है तो आपका नेट समस्या है, सभी के साथ ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वीडियो बफरिंग होगा, हो रहा होगा तो मैसेज कीजिए, तो कितने लोगों के साथ ऐसा समस्या है। अगर बफरिंग हो रहा है राजा बाबा तो आपका नेट समस्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बेयरिंग में स्लाइडिंग सतहों के बीच धातु से धातु का संपर्क होता है? स्लाइडिंग सरफेस के बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट निम्न से किस बेयरिंग में होता है? यूपीआरबी ने 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन। रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, स्लाइडिंग कांटेक्ट बेयरिंग या स्फेरिकल बेयरिंग, कौन सा होगा राइट आंसर, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। सेशन लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, सेशन को लाइक करना है, काफी लोगों का आंसर आ रहा है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस बेयरिंग में स्लाइडिंग सतहों के बीच धातु से धातु संपर्क होती है, यानी मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, इसके बारे में पूछा है। जितने लोग यहां पर सी ऑप्शन किए हैं ना, स्लाइडिंग कांटेक्ट बेयरिंग, ये राइट आंसर है उनका। अब मेटल टू मेटल कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट बेयरिंग में क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर देखिए, बेयरिंग को अगर देखा जाए तो दो तरीके के बेयरिंग होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन बेयरिंग और एक होता है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, ठीक, फ्रिक्शन बेयरिंग और दूसरा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है। ये जो बेयरिंग होते हैं, जैसे बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, बैरल बेयरिंग और निडिल बेयरिंग, ये किस में आते हैं, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में आते हैं। जबकि ये जो सॉलिड बेयरिंग है, इसके बाद ये बुश बेयरिंग है, ये किस में आता है, ये फ्रिक्शन बेयरिंग में आता है। पॉइंट कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट और सरफेस कांटेक्ट का क्या मतलब है, तो हम भी यहाँ पर एक एक करके देखिए। अगर इस बॉल बेयरिंग में देखेंगे तो पार्ट बताएं, तो ये इनर रेस होता है, ये आउटर रेस होता है, ये बॉल होता है, रोलिंग एलिमेंट बॉल होता है, और इसको अलग करने वाला जो भाग होता है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल को सेपरेट रखता है, ये केज होता है। अब एक एक का मटेरियल बताएं, तो इनर रेस, आउटर रेस, ये किसका बना होता है, तो निकेल क्रोमियम स्टील का, बॉल भी निकेल क्रोमियम स्टील का बना रहेगा, यानी तीनों को एक साथ याद रखना है, निकेल क्रोमियम स्टील मटेरियल होता है, ये केज होता है, ये ब्रास का होता है, ठीक, नहीं तो स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। तो केज का काम पूछा जाता है, तो केज का काम होता है जो रोलिंग एलिमेंट है उनको सेपरेट करके रखना, अलग अलग करके रखना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इनर रेस आउटर रेस के बीच में इसका कॉन्टेक्ट क्या होता है, बॉल, ये बॉल बेयरिंग में इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होता है, बॉल। जब बॉल कॉन्टेक्ट होगा तो घर्षण यहाँ पर क्या होगा, बहुत कम होता है, घर्षण बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग इसमें रखते हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में, ज्यादा गति पर प्रयोग किए जाते हैं, ये जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है। अब यहाँ पर इसमें देखें, ये रोलर में, ये रोलर बेयरिंग है, बीच से रोलर थोड़ा सा फूला रहता है, तो इसको हम लोग बैरल रोलर बेयरिंग बोलते हैं, और जब ये जो रोलर एकदम पतला सुई के जैसा होता है, निडिल के जैसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं निडिल बेयरिंग। इसमें देखेंगे तो ये लाइन कॉन्टेक्ट होगा, रोलर नीचे से पूरा ये लाइन कॉन्टेक्ट में होता, तो फिर भी लाइन कॉन्टेक्ट रहेगा तो घर्षण क्या होता है, कम होता है, ये एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना कि निम्न में से कौन सा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है या कौन सा नहीं है, तो ऐसा करके ये ध्यान रखिएगा तो समझ में आ जाएगा आंसर। बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, बैरल और रिडिल बेयरिंग किस में आता है, एंटी फ्रिक्शन में आता है। जबकि यहाँ पर देखिए, ये सॉलिड बेयरिंग है और ये बुश बेयरिंग है। सॉलिड बेयरिंग में ये एकदम कुछ होता ही नहीं है, बेयरिंग हाउसिंग ही होता है, इसी में शाफ्ट को डाल देते हैं। अब इसमें शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो ये पूरा सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट होगा ना, सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बेयरिंग बोलते हैं। ज़्यादा घर्षण होता है, हैवी लोड के लिए यूज होता है, लेकिन कम स्पीड पर यूज होगा ये बेयरिंग। तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग में कुछ इसी तरीका है, उसमें क्या होता है, सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट होता है, घर्षण ज़्यादा होता है उसमें, ठीक। बुश बेयरिंग में देखेंगे तो ये क्या, एक बेयरिंग हाउसिंग अलग से एक खोखला बुश डाल देते हैं, और उस बुश में हम लोग शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए रखते हैं। यहाँ पर भी शाफ्ट क्या होता है, पूरा सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट में रहता है, तो घर्षण ज़्यादा होता है। तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग, बुश बेयरिंग, आगे स्प्लिट बेयरिंग या सेल बेयरिंग, ये सब किस में आते हैं, घर्षण बेयरिंग में आते हैं, क्योंकि इसमें सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट होगा तो घर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात,
या बुश बेयरिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, सॉलिड बेयरिंग के जैसा बेयरिंग हाउसिंग होता है, अलग से बुश लगा देते हैं ताकि जब घिसे पार्ट ये बुश घिसे तो बेयरिंग को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और बुश बेयरिंग किसका बना होता है, तो गन मेटल का बना होता है। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग में क्या होता है, सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट होता है, घर्षण बेयरिंग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद को क्या कहा जाता है। ये भट्टियों से जो हम लोग प्रोडक्ट बनाकर निकालते हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कास्ट आयरन, लाइम स्टोन, पिग आयरन या आयरन ओर। मैसेज करना है सभी को, आंसर कीजिए सभी लोग, सभी लोग आंसर कीजिए। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद, ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, सभी को आना चाहिए। मेटल से पूछा गया ये क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। फिर इसके आगे में कुछ और भट्टियों का नाम अलग अलग बताएंगे, जिसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है इसका नाम भी बताएंगे, ठीक। चलिए, काफी लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, सभी लोगों से उम्मीद है, ठीक। मैसेज कीजिए सभी लोग। ये ब्लास्ट फर्नेस जो होता है, ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग पिग आयरन प्राप्त करते हैं, कच्चा लोहा जिसको बोला जाता है। तो जो लोग सी आंसर किए हैं ना, उनका करेक्ट है। अब यहाँ पर शुरुआती जो प्रोडक्ट बनता है ये पिग आयरन ही बनता है। इसको फिर अलग अलग भट्टियों में पिघला करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्ट पिग आयरन होता है। कास्ट आयरन किसे बनाते हैं, कपोला में। कपोला फर्नेस में कास्ट आयरन बनाया जाता है। ये जो चूना पत्थर होता है ना, लाइम स्टोन, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या होता है, ये फ्लक्स होता है। भट्टियों में हम लोग फ्लक्स डालते हैं जो कि अशुद्धियों को क्या करता है, बाहर कर देता है। यहाँ पर ये लाइम स्टोन फ्लक्स है, ठीक। अब इसी तरीके से रॉट आयरन के बारे में पूछा गया, तो रॉट आयरन किस में बनाया जाता है, पुडलिंग फर्नेस में बनाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, कच्चा लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए और बताइए, मार्किंग टेबल आमतौर पर निम्न में से किससे बनाया जाता है। मार्किंग टेबल का मटेरियल पूछा है, वर्कशॉप में जो हम लोग मार्किंग टेबल यूज करते हैं उसका मटेरियल, डायमंड, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन या ग्रेनाइट या कॉपर। कास्ट आयरन, ग्रेनाइट दोनों एक ही में दिया है, या कॉपर, किसका बना होता है। सभी से आंसर आना चाहिए सभी लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस तरीके के। अगर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनेगा तो लेवल एकदम नीचे है, लेवल को इम्प्रूव करना है, ठीक। लाइक करते जाइए सभी लोग सेशन को, काफी लोग आंसर किए हैं यहाँ पे, ठीक। काफी लोग आंसर कर रहे हैं और करेक्ट भी कर रहे हैं, सभी लोगों से आंसर की उम्मीद है, ठीक। चलिए अगर यहाँ पर देखें मार्किंग टेबल के लिए, तो मार्किंग टेबल कास्ट आयरन और ग्रेनाइट दोनों का बनता है। सी जितने लोग आंसर किए हैं ना, राइट आंसर है उनका। अब दोनों ऑप्शन में अलग अलग दे दे, जैसे ए और बी में दे देता है, ए में ग्रेनाइट और बी में कास्ट आयरन, तो उस समय हम लोग ग्रेनाइट मारते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट क्या होता है, अच्छा होता है। ग्रेनाइट की एक्यूरेसी कास्ट आयरन वाले से अच्छी होती है, और एडवांटेज उसमें है कि जंग भी नहीं लगता है उसमें और ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसी किसी को तो ये भी लग रहा होगा कि ये मार्किंग टेबल होता क्या है, तो मार्किंग टेबल ये होता है। अब इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं, किसी किसी को ऐसा भी लग रहा होगा ना कि मार्किंग टेबल क्या है, सरफेस प्लेट और मार्किंग टेबल में अंतर क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दुख दर्द समस्या सब दूर होगा। देखिए ये मार्किंग टेबल है, इसको माइल्ड स्टील के स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। सरफेस प्लेट के मामले में ये बड़ी होती है, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये मार्किंग टेबल ही है। मटेरियल कास्ट आयरन नहीं तो ग्रेनाइट का होता है। अब यहाँ पर इसके सरफेस टेबल के, ये सॉरी मार्किंग टेबल के ऊपर में देखेंगे तो ये लाइन होती है, लाइन, ये महीन महीन ग्रूवाकार लाइन होती है, ग्रूव बना होता है इसमें। ये लाइन जो होता है ना, इस लाइन का प्रयोग हम लोग रिफरेंस लाइन के लिए यानी आधार लाइन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब ये आधार लाइन क्या है, जैसे मान के चलिए वर्कशॉप में ये सिलिंड्रिकल जॉब है, इसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, तो वी ब्लॉक। ये मैच्ड पेयर वाला वी ब्लॉक है, मैच्ड पेयर वी ब्लॉक का क्या खासियत है, तो नंबर से दर्शाया जाता है और दोनों पर नंबर सेम रहेगा, और इसका एक्यूरेसी क्या होता है, एक समान होता है, तो बड़े जॉब को सपोर्ट करने के लिए। फिर यू क्लैंप है, इस पर अगर मार्किंग करना है तो मार्किंग करने के लिए इस मार्किंग टेबल पर अगर रखेंगे, मार्किंग टेबल के ऊपर, तो ये जो लाइनें हैं ना, अगर वी ब्लॉक यहाँ एक रखें तो दूसरा भी इस लाइन के किनारे का सहारा लेकर के और जॉब को एकदम सीधा रखने के लिए क्या करेगा, लाइन का रेफरेंस ले सकते हैं हम लोग। यानी ये जो लाइनें होती है ना, जॉब को मार्किंग टेबल पर मार्किंग करते समय सीधा रखने के में क्या करती है, सहायता करती है। अगर सरफेस प्लेट होगा तो सरफेस प्लेट क्या होता है, प्लेन होता है,
प्लेन है तो उस पर हम लोग ऐसे जॉब को रख देंगे, इसको तो पता ही नहीं चलेगा कि एक अलाइनमेंट में है कि नहीं, एक सीध में है कि नहीं। लेकिन इसके द्वारा अगर देखेंगे तो इस लाइन का सहारा लेकर के इसको सीध में रख सकते हैं, या कोई जॉब भी रखेंगे तो ये क्या हो सकता है, एक सीध में रख सकते हैं। समझ में आ रहा है इतना चीज? अब यहाँ पर ये जो मार्किंग टेबल है, मार्किंग टेबल में और सरफेस प्लेट में यही अंतर है। इस पर क्या होता है, ये ग्रुप्ड लाइन होती है और लाइनों का सहारा रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, और फिर उसके मुकाबले ये बड़ी होती है, ठीक है? तो ये वर्कशॉप में यूज होता है मार्किंग के लिए। अब यहाँ पर कास्ट आयरन का ये सरफेस प्लेट भी होता है, ग्रेनाइट का और कांच का भी बनाया जाता है। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे कि वर्कशॉप में रिफरेंस सतह के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में अगर दिया रहे मार्किंग टेबल और फिर सरफेस प्लेट, तो किसको मारेंगे? मार्किंग टेबल को मारेंगे, क्योंकि हर हाल में इस पर ये जो इनग्रेव्ड लाइन होती है, ग्रूव्ड लाइन होती है, इनका प्रयोग हम लोग अलाइनमेंट के लिए, जॉब को सही रखने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। बाकी अगर ये ऑप्शन में ना रहे और पूछे कि रिफरेंस के लिए निम्न में से कौन सा यूज होता है, और उसमें ऑप्शन दिया रहे सरफेस प्लेट, तो फिर सरफेस प्लेट को मान सकते हैं, क्योंकि उसको आधार सतह के रूप में यूज करते हैं। जो भी मार्किंग की काम होती है, हम लोग एक प्लेन सतह यूज करते हैं जो कि सरफेस प्लेट ही होता है। अगर ये ना रहे तो उसको सिंगल कर सकते हैं। समझ आ गया इतना चीज? चलिए, इतना चीज क्लियर है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड चिजल और वुड वर्किंग टूल, ठंडी छेनी और लकड़ी काटने वाले जो टूल होते हैं किसके बने होते हैं? मटेरियल पूछा गया है हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन या मीडियम कार्बन स्टील। ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। अरुण वर्मा बोल रहे हैं, सर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं आपके लिए काजू कतली लेके आऊंगा। थैंक यू अरुण, काजू कतली की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आ जाइएगा जॉब लेकर के तो हमको बहुत खुशी होगा, ठीक है? काजू कतली और ये मिठाई उठाई की जरूरत नहीं है, आप जॉब लेकर के ऐसे भी आ रहे हैं तो हमको बहुत खुशी होगा। चलिए, चलिए क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर टाइप कीजिए सभी लोग, ठीक? काफी लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक? बुक कौन सी सही है? जो लोग भी बुक के लिए पूछ रहे हैं ना, तो बुक के लिए बताएं, हमेशा उनको बोले हैं रेफर करने के लिए निमी का जो स्टैंडर्ड बुक है उसको रेफर कीजिए। ऑनलाइन PDF डाउनलोड हो जाता है भारत स्किल से, वहां से पढ़िए, उसका थ्योरी पार्ट और उसका क्वेश्चन भी लगाना है, ठीक? और ज्यादा दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा है किताब से तो आ जाइए फिर यहाँ पर रिजीवे कोचिंग में, एक एक करके ऑपरेशन करके सारा चीज सिखा देंगे, ठीक? इसरो की वैकेंसी में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी अभी कुछ एग्जाम उसका पेंडिंग है एक दो का, तो ये क्लियर होगा तो फिर इसरो का आएगा, लगातार आएगा वैकेंसी फिर इसरो का। शिव शरण मौर्य भी बोल रहे हैं, मैं भी सर आपसे मिलने आऊंगा पटना में। सभी का वेलकम है, जो लोग मिलना चाहेंगे आ सकते हैं, लेकिन कुछ बन के आना है, जॉब लेकर के आना है, ठीक? और सहायता चाहिए पढ़ाई से तो पढ़ने के लिए आ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जितने लोग आंसर किए हैं ना, हाई कार्बन स्टील, कोल्ड चीजल ये, या वुड वर्किंग टूल जैसे कुल्हाड़ी चाकू वगैरह जो होता है, ये कटिंग टूल है ना, तो किसका बनेगा? हाई कार्बन स्टील का बनेगा, और किसका बनेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन से पूछा गया क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल है, सिंपल सा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारा क्लास में प्रैक्टिस ऐसा कराते हैं, फीड क्या है, फीड पर मिनट क्या होता है, RPM क्या है, कटिंग स्पीड क्या है, फिर मशीनिंग टाइम या ड्रिलिंग टाइम निकालना होगा 5 होल करने के लिए, 10 होल करने के लिए, तो सारा कैलकुलेशन ड्रिलिंग में बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ना है और बनाना है। एक HSS ड्रिल बिट, हाई स्पीड स्टील ड्रिल का ड्रिल बिट है, इसके लिए इंच प्रति मिनट में ड्रिल की रेखीय फीड की गणना करें, लिनियर फीड की गणना करना है, जिसकी स्पिंडल गति 800 RPM और फीड कितना दिया है 0.05 mm है। तो यहाँ पर लिनियर फीड की गणना करना है, ऑप्शन दिया है इस तरीके के 40, 15, 4 और 1.5, UPRVNL 2021 का ये क्वेश्चन है, बना करके और मैसेज करना है, याद करके और पढ़ करके जो आए होंगे क्वेश्चन उसके आधार पर नहीं बनाइए, आया है तो मैसेज कीजिए, नहीं आया तो बताएंगे यहाँ पे, ठीक? चलिए मैसेज कीजिए, तो इसका क्या आंसर होगा? ये न्यूमेरिकल है और एकदम सिंपल सा है, बताइए।
ऑनलाइन सोनू कुमार बोल रहे हैं, मैं यूपी से हूँ सर, ऑनलाइन तैयारी करा दो। ऑनलाइन तो ये मटेरियल आपको आपके लिए दे ही रहे, अगर पूरा डिटेल्स वगैरह चाहिए मास्टर कोर्स जा करके ले लीजिए, वो ईजीवे एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ सारा चीज़ अवेलेबल है, लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, फिर नोट्स अवेलेबल रहेगा, मॉक टेस्ट वगैरह सारा चीज़ है। चलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट भी नहीं है, बताएंगे एकदम आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो ड्रिल में फीड होता है, ये फीड क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। तो ड्रिल में ड्रिल अपने एक्सिस पर एक चक्कर में जितना धातु के अंदर धंस जाता है। फीड के बारे में अगर बात करें तो ड्रिल अपने एक्सिस पर एक चक्कर में जितना धातु के अंदर धंस जाता है। ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग फीड हैंड व्हील से क्या करते हैं, दबाव देते हैं ना, तभी होल होता है। तो एक चक्कर में जितना धातु के अंदर धंसता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। अगर फीड की यूनिट लिखी जाए तो एक चक्कर में जितना धातु के अंदर धंसता है, यानी फीड की यूनिट क्या हो जाएगी, एमएम पर रेवोल्यूशन। यानी जो धातु के अंदर धंसा ड्रिल उसको हम लोग एमएम में मापेंगे, और एक चक्कर में कितना धंसा है, तो इसका फीड का यूनिट क्या होता है, एमएम पर रेवोल्यूशन होता है। समझ में आ रहा है बात? जबकि यहाँ पर ये जो पूछा है, ये पूछा है एम फीड पर मिनट में या इंच पर मिनट में। देखिए इंच पर मिनट नहीं तो एमएम पर मिनट बोलता, तो सबसे पहले हम लोग एमएम पर मिनट में निकाल लेंगे, एमएम पर मिनट में निकाल लेंगे फीड, और फिर जब एमएम आएगा तो इंच में निकालने के लिए उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इंच पर मिनट आ जाएगा फीड। तो अभी एक एक करके देखिए, सबसे पहले दो चीज देखिए, आरपीएम के बारे में बात करेंगे ड्रिल का। तो ड्रिल अपने स्पिंडल पर जितना चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरपीएम बोलते हैं। ठीक है, 1 मिनट में जितना चक्कर लगाता है, और ड्रिल अपने स्पिंडल पर एक चक्कर में जितना धातु के अंदर धंसता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए फीड का यूनिट, अगर सिंपल फीड के लिए बात करेंगे तो फीड का यूनिट ये होता है, एक होता है एफएम, फीड इन एमएम पर मिनट, 1 मिनट में फीड कितना होगा, तो एफएम निकालना होगा, तो सिंपल फीड इंटू ये आरपीएम का मल्टीप्लाई होता है गुना करके। ध्यान से समझिए चीजों को, अभी बताए थे कि फीड क्या होता है, एक चक्कर में जितना धातु के अंदर धंसता है उसको हम लोग फीड बोलते हैं, एमएम पर रेवोल्यूशन, एक चक्कर में जितना धंसा, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं एफएम, तो फीड इंटू आरपीएम, यही पूछा है इंच पर मिनट में, ये एक चक्कर का फीड नहीं पूछा है, 1 मिनट का फीड पूछा है। तो 1 मिनट का फीड क्या हो सकता है, तो 1 मिनट में तो वो बहुत सारा चक्कर काट सकता है, 10 चक्कर, 20 चक्कर, 50 चक्कर, 60 चक्कर, 80 चक्कर काट सकता है, तो उससे गुना करना पड़ेगा ना, और वो आरपीएम दिया है कितना काट रहा है चक्कर, तो 800 आरपीएम काट रहा है। तो जब एफएम निकालेंगे ना, तो एफएम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये सिंपल फीड कितना दिया है यहाँ पे, तो सिंपल फीड आपको दिया है 0.05 इंटू आरपीएम कितना दिया है, आरपीएम दिया है 800, तो ये एफएम हो गया। ये एफएम अगर बात करेंगे ये 40 आएगा, ये 40 किस में है, ये 40 एमएम पर मिनट में है, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंच पर मिनट में। तो जो लोग 40 दिए हैं ना वो एमएम पर मिनट में उनका करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन क्या दिया है, इंच पर मिनट में, इंच पर मिनट में दिया है, तो ये 40 एमएम को किस में बदले, इंच में। 40 एमएम को इंच में बदलने के लिए, क्योंकि 1 इंच बराबर क्या हो जाता है, 25.4 एमएम होता है ना, तो 40 एमएम को इंच में बदलना है। तो एफएम अगर लिखे यहाँ से, एफएम बराबर क्या हो जाएगा, 40 एमएम है, इंच में बदलना है, तो 25.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये यूनिट जो आएगा यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इंच इंच पर मिनट में आ जाएगा। फिर यहाँ से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.57 इंच पर मिनट आएगा। तो लगभग लगभग हम लोग इसमें क्या टिक कर सकते हैं, 1.5। तो जो लोग 40 दिए ना उनका रॉन्ग है, अगर मैट्रिक में पूछता तो वो करेक्ट हो जाता 40 एमएम पर मिनट, लेकिन यहाँ पर इंच में, इंच पर मिनट में पूछा है, तो फिर इसको इंच में बदलना पड़ेगा, जो कि 1.5 आएगा, डी आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए ना, यूनिट कोई चेक करना चाह रहा होगा, ये जो एफएम है इसका यूनिट एमएम पर मिनट कैसे आ रहा है, तो देखिए ये फीड का क्या बताए थे, फीड का बताए थे सिंपल फीड का, कि ये एमएम पर रेवोल्यूशन होता है, पर रेवोल्यूशन, और अगर यहाँ पे ये एन रेवोल्यूशन पर मिनट होता है ना, तो एन क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट।
पर मिनट, तो इसको काट दिए, रेवोल्यूशन से रेवोल्यूशन कट जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एमएम पर मिनट हो जाएगा। और एमएम पर मिनट में हम लोग निकाले हैं, जबकि ये इंच पर मिनट में पूछ रहा है, तो एमएम को किसमें बदल देंगे, इंच में। क्लियर है इतना? खून में घुसा कि नहीं घुसा? सभी लोगों को खून में घुसना चाहिए। ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन तांडव करके रखा है क्वेश्चन, बहुत लोगों का गलती हुआ है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। फीड, सिंपल फीड और एफएम, मिनट में, एक मिनट की फीड में अंतर है। सिंपल फीड एक चक्कर का होता है, जबकि एक मिनट का फीड क्या है, एक मिनट का फीड वो एक मिनट में कितना चक्कर काटा है उसे गुना करके होगा, यानी सिंपल फीड इंटू आरपीएम होगा। क्लियर है ना इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयरिंग जिसमें रोलिंग तत्व होते हैं, जिसमें रोलिंग एलिमेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। अभी इससे पहले इसी सेशन में ये डिस्कस किए, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बोलेंगे, या हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग, या हाइड्रोडाइनेमिक, या ग्रीज लुब्रिकेशन बेयरिंग बोलते हैं। सभी लोगों से आंसर आना चाहिए इसका, ठीक, फटाफट आंसर कीजिए, आंसर कीजिए सभी लोग। काफी लोग आंसर कर रहे हैं, एक बार लाइक भी कर दीजिए सभी लोग सेशन को, ठीक। अब यहां पर देखेंगे तो बेयरिंग जिसमें रोलिंग तत्व, रोलिंग एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बोलते हैं ना। रोलिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, यानी उसमें जो घूमने वाला चीज है, या तो बॉल होगा या रोलर होगा, नहीं तो क्या होगा, बैरल शेप का होगा या निडिल होगा। तो जो लोग आंसर ए किया है ना, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, उनका राइट है। अब यही चीज डिस्कस किए हैं पीछे, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग क्यों बोला जाता है, तो ये बॉल बेयरिंग है, इसमें पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा। बैरल, निडिल और रोलर बेयरिंग में क्या होता है, लाइन कॉन्टेक्ट होता है, ये एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है, यानी घर्षण विरोधी बेयरिंग, इसमें घर्षण कम होता है, मटेरियल भी होता है। जबकि ये जो बेयरिंग होते हैं, ये घर्षण बेयरिंग होते हैं, फ्रिक्शन बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग, बुश बेयरिंग, उसके बाद सेल बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग, फिर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग, ये सब किस में आएगा, घर्षण बेयरिंग में आएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और करते हैं आज के सेशन का, और फिर सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि आप लोग देखे होंगे दूसरा जो थंबनेल होगा वहाँ पे गेल का वैकेंसी आया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जस्ट इसके बाद। अभी 6:40 हो रहा है ना, 6:45 में आप लोग वहाँ जुड़िएगा, उस सेशन को स्टार्ट करेंगे, गेल के बारे में बताएंगे वहाँ पे, गेल का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को कीजिए, थोड़ा सा डिले हो गया था शुरू में 10 मिनट वो शेड्यूल करने में, और टेक्निकल, ये जो लाइव क्लासेस टेक्निकल इरर की वजह से नहीं स्टार्ट हो पा रही थी, नहीं तो आज का टारगेट कम से कम 135 तक था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर हम लोगों का है, कल भी आएंगे, सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगा, 5 दिन हम लोग लाइव रहेंगे। बीच बीच में कभी ऐसा होता है, कोई समस्या हो जाता है स्टूडियो में जो वर्किंग नहीं हो पाता है, तो हम लोग लाइव नहीं आ पाते हैं उसमें, सिस्टम में थोड़ा बहुत अगर फॉल्ट हो गया तो उसमें लाइव नहीं आ पाते, हो ही नहीं पाएगा फिर, तो इसलिए कभी कभी गैप हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, लगातार हम लोग चलते रहेंगे। लोहे को के किस रूप में कार्बन की मात्रा कम होती है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और ढेर सारा चीज़ यहाँ पर बताएंगे भी, कास्ट आयरन, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और हाई कार्बन स्टील, किसमें लोहे की मात्रा, सॉरी कार्बन की मात्रा किसमें सबसे कम होती है, ये पूछा है। सभी लोगों को मैसेज करना है, सभी लोग मैसेज कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो लोग सी किया है ना, रॉट आयरन, इसमें लोहे, इस लोहे में आयरन, सॉरी ये कार्बन की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर कास्ट आयरन में देखें तो 2 से कितना% तक होता है, 2 से 4% तक कार्बन की मात्रा होती है, भंगुर होता है। पिग आयरन में बहुत ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है और शुद्ध लोहा होता है, ठीक। रॉट आयरन में देखें तो 0.02 से लेकर 0.03% तक कार्बन की मात्रा होती है, जो कि बहुत कम होता है। इसीलिए इसमें डक्टिलिटी का गुण, मेलेबिलिटी का गुण और टफनेस भी अच्छा होता है। इसके बाद हाई कार्बन स्टील में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, 0.6 से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। और रॉट आयरन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ये 99.9% शुद्ध लोहा होता है, ये भी पूछा जाता है, कार्बन की मात्रा कम होती है इसमें, 99.9% शुद्ध लोहा होता है, ठीक। तो पूछा जाता है शुद्ध लोहा कौन सा है, तो रॉट आयरन। क्लियर है इतना चीज। चलिए अब यहाँ पे आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे, ठीक। अभी दूसरा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं,
गेल का जो वैकेंसी आया उसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन लोग भर सकते हैं, तो वहाँ अभी जुड़ सकते हैं 5 मिनट के अंदर में। ठीक, शिवशरण मौर्य ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पहले भी ऐसा मैसेज किए हैं, कोई बात नहीं है, शेड्यूल रखे, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। अरुण वर्मा, मज़ा आ गया, थैंक यू, रोज़ जुड़िए। हम लोग आज ये लगातार 12 दिन तक करते आ रहे हैं, बीच बीच में कभी छुट्टी हुआ है, प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से देख सकते हैं, सारा वीडियो अवेलेबल है। चलिए ठीक है, सेशन एंड करते हैं, कल मिलेंगे इसी समय पे।